मर भी गए, तो वी आर डाउन टू आर लास्ट 9 टीम्स। तो देखते हैं बाकी टीम्स क्या कहाँ पे कैसे परफॉर्म करती है। स्काउट के पास चलते हैं, देखते हैं वेलोसिटी के एनजे को इन्होंने स्पॉट कर रखा है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉक मिलता हुआ असैसिन को फिनिश कर दिया है टीम रेकनिंग ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीम एसटी भी जिंदा है, यहाँ पे डॉन को स्पॉट कर लिया एंड डॉन को आई थिंक नॉक कर देंगे टीम एक्स के स्काउट ओपी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता हुआ, आइसोलेट हो गए, आइसोलेटेड इसीलिए क्योंकि वो अपने टीम के लिए कवर फायर बनने वाले हैं, क्योंकि ही इज गोइंग टू नॉट लेट एनी वन एल्स गो इन साइड द जोन। उनको पता है वो एक बहुत ही सैक्रिफिशियल रोल खेलने वाले हैं अभी, क्योंकि वो उनको पता चल चुका है कि वो जोन के अंदर जा नहीं पाएंगे, बट ही वॉन्ट लेट कीकी एंड माफिया ऑल्सो टू एंटर इन साइड द जोन। इन द मीन वाइल ओवेस विल डील विथ लॉ राइट नाउ। लेट्स सी टीम एक्स के की जो स्ट्रैटेजी है क्या वो काम करती है सक्सेसफुली या नहीं, क्योंकि कीकी के ऊपर शॉट जाते हुए टीम एक्स के रौनक का। तो राइट नाउ दे आर टेकिंग ब्लाइंड शॉट क्योंकि उनको जोन के अंदर जाना है, बट मैं रखूंगा पी ओ वी ऑन टू स्काउट। तो लेट्स सी गाइज, स्काउट यहाँ पे देख सकते हो जो चीज मैंने बोला था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉक दे दिया कीकी को एंड वो प्रेशर बनाते हुए गॉडल के ऊपर अभी जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे एंड पीछे से जिसको भी स्पॉट करेंगे उनको फिनिश देंगे जरूर एंड कीकी को यहाँ पे फिनिश देते हुए टीम एक्स के स्काउट ओपी। तो लेट्स सी गाइज, ही इज पुशिंग इन एंड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे गॉडल के माफिया को आई थिंक स्पॉट कर लिया है स्काउट ओपी ने एंड माफिया ने भी ऑन द कॉन्ट्ररी स्पॉट कर लिया था एंड माफिया का नॉक पड़ते हुए स्काउट के ऊपर, बट स्काउट का जो रोल था उन्होंने वो बखूबी निभा लिया है क्योंकि जो मेन नॉक था उन्होंने वो कर दिया एंड अभी जो लास्ट के बचे हैं दो ही टीम, दैट इज टीम एक्स एंड टीम सिनर्जी गेमिंग। तो चलते हैं टीम सिनर्जी गेमिंग के लॉ की तरफ, देखते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेड किया है लॉन एंड ओवेस को नॉक कर दिया है, तो आई थिंक दिस इज द मोमेंट फॉर हिम टू पुश बिकॉज इनको पता है स्काउट हैज ऑल्सो बीन नॉक। तो नाउ इफ यू मिक्स दैट पुश इट विल बी अ 1v1 सिचुएशन, बट अगर वो रिवाइव हो जाते हैं ओवेस जो कि अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, नाउ थिंग्स आर गेटिंग बैड फॉर टीम एसजी राइट नाउ, क्योंकि अगर उसी मोमेंट वो पुश कर देते तो कुछ एक करने की यू नो पॉसिबिलिटी थी, बट अभी नाउ इट्स काइंड ऑफ टू लेट एंड यहाँ पे नेड आते हुए रौनक का एंड इसी के साथ सिक्योर कर लिया है चिकन डिनर टीम एक्स ने विथ 8 kills। चलते हैं स्काउट के पास, यहाँ पे स्काउट पीछे से इनको सबको स्पॉट करके इनकी जो पोजीशन है देते हुए स्काउट एंड यहाँ पे स्काउट का बहुत ही प्यारा ऐसे डैमेज करा, काफी लिट करा, बट राइजर को आप देख सकते हो राइजर हैज बीन स्पॉटेड। स्काउट ने वहां पे डेव को भी नॉक कर दिया, तो थिंग्स आर लुकिंग रियली डिफिकल्ट नाउ फॉर टीम रेकनिंग। इबान जो है थोड़ा सा स्मोक के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा लग रहा है ओवेश इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर हिम राइट नाउ एंड नाउ द पुश इज ऑन एंड स्काउट बहुत ही प्यारा कवर फायर देते हुए, आप देख सकते हो दूर से इनको बहुत प्यारा कवर फायर, तगड़ा कवर फायर जो मिलते हुए एंड टीम रेकनिंग हैज बीन वाइप्ड आउट बाय टीम एक्स। यहाँ पे आई थिंक गब्बर विल बी टेकन डाउन, आइकॉनिक भी नहीं बचने वाले एंड आइकॉनिक अभी जोन के अंदर आने वाले थे बट यहाँ पे आइकॉनिक को भी नॉक कर दिया था क्रॉन्टेन ने, बट स्काउट ने यहाँ पे क्रॉन्टेन को फिनिश कर दिया। तो स्काउट ओपी की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आइकॉनिक को फिनिश कर देंगे, आई थिंक उनका जो किल है वो सिक्योर कर देंगे, बट आई थिंक आइकॉनिक का जो किल है वो क्रॉन्टेन को चले जाएगा एंड टीम पे रोज को भी एक शॉट पड़ता हुआ, बट नाउ आई डोंट थिंक टीम एक्स वुड ट्राई टू ओवर एक्सटेंड बिकॉज दे आर वेल इनसाइड द जोन, जोन के थोड़ा सा एज पे रहेंगे वो लोग एंड 13 kills हो चुके हैं क्योंकि डार्क का जो किल है आई थिंक रौनक ने सिक्योर कर लिया अपने लिए। तो वील हैव टू सी हाउ टीम एक्स मैनेजेस टू विन दिस गेम बिकॉज दिस इज प्रिटी मच देयर गेम। 4v2 का सिचुएशन है एंड इट्स टीम एक्स अगेंस्ट टीम क्रॉलर्स एंड यहाँ पे स्प्रे आता हुआ स्काउट का, काफी अच्छा एक मेंबर को ऑलरेडी नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश कर दिया स्काउट ने। अभी देखते हैं क्रॉलर्स के प्रो के को कैसे डील करेंगे, प्रो जो है अकेले रह गए हैं, तो चारों दिशाओं से उनको घेरने की कोशिश कर रहे टीम क्रॉलर्स के प्रो को एंड क्रॉलर्स के प्रो ने खुद को ही नेड करके फिनिश कर दिया, ही डिसाइडेड लेट्स नॉट गिव दैट किल टीम रिप को। तो देखते हैं स्काउट के पास चलते हैं, स्काउट का अग्रेशन फिर से दिखता हुआ एंड यस टीम आरआईपी के दो बंदों का आई थिंक इन्होंने फिनिश कर दिया, टेम्पेस्ट जो बच्चे हैं, अच्छा 3 बंदे हैव बीन फिनिश्ड, टेम्पेस्ट इज द लास्ट मैन पुशिंग इन, विल हैव टू सी हाउ टेम्पेस्ट डज ही मैनेज टू टेक अ क्लच और टीम एक्स से, टीम एक्स को फिर से मिल जाएंगे 4 kills। नियो ने वहाँ पे जीब्रो को नॉक कर दिया एंड ओवेस को यहाँ पे नॉक कर दिया टेम्पेस्ट ने, बट परितोष ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, तो फाइट ले लिया है। तो टीम एक्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं टीम एक्स का फाइट कैसे चल रहा है, स्काउट की तरफ चलते हैं, देख सकते हो स्काउट की तरफ परितोष ने विशेष को फिनिश कर दिया, तो टीम एक्स का फाइट चल रहा है अगेंस्ट टीम केओ एंड नियो का जो फिनिश है वो ले लिया है रिवेंज की स्क्वाड ने।
तो नॉक तो डेफिनेटली करा था टीम एमएक्स ने, बट किल फिनिश किया है टीम रिवेंज ने, जो कि पीछे से आगे एंड यहाँ पे कुल को स्पॉट कर दिया एंड कुल को भी फिनिश कर दिया है, बट ओवेस ने यहाँ पे ऐश को नॉक कर दिया एंड ओवेस यहाँ पे ऐश को फिनिश भी कर देंगे। तो टीम एक्स इज मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर विन राइट नाउ एंड जो प्रिंस लास्ट बचे हैं तो देखते हैं, स्काउट यहाँ पे नेड्स फेंकते हुए एंड उनके ऊपर पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेड आता हुआ स्काउट का एंड प्रिंस को खत्म कर दिया। तो वील हैव टू सी हाउ टीम वेलोसिटी एंगेजेस एंड टेक्स दैट पर्टिकुलर फाइट। यहाँ पे असासिन और यहाँ इनकी टीम जो घूम के आने की कोशिश कर रही थी, बट स्काउट ओपी ने बहुत ही प्यारा शॉट मारा एंड वेलोसिटी के एमजे को यहाँ पे फिनिश भी कर देंगे स्काउट। असासिन और गोजीटा जो है लास्ट बचे, तो यहाँ पे इसी के साथ चिकन डिनर ले लिया है एंड दिस इज द थर्ड लगातार बैक टू बैक चिकन डिनर। तो तीन चिकन डिनर्स ले लिए आज टीम एक्स ने।